हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अब सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम धीरे धीरे शुरू हो गया है। जैसे कल सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ गया और 6 जनवरी से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम होने वाला है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम 20 तारीख से है और माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी शायद 20 तारीख से होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन जो भी है, मैं जो भी इस टाइम क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आकार के आधार पर ग्रीन हाउस के प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, आकार के आधार पर ग्रीन हाउस के प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है। तो आकार के आधार पर ग्रीन हाउस के प्रकार का विस्तार से वर्णन करना है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आप लोगों को इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस है। ठीक है, इसी टाइप में आकार के आधार पर उसको बार बार पूछता है, तो मैं आप लोगों को चारों बता, 6 प्रकार का होता है, मैं 6 बता दूंगा। हो सकता है कि लॉन्ग में पूछ दे पूरा या इनमें से एक या दो जरूर पूछेगा, और 100% जो मैं 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा। 100% आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आकार के आधार पर ग्रीन हाउस का प्रकार। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा आप लोग को बता दूंगा कि आकार के आधार पर कितने प्रकार का होता है ग्रीन हाउस, तो पहले मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ठीक है, तो आकार के आधार पर जो ग्रीन हाउस होता है वो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। क्या होता है? लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। दूसरा होता है इवन स्पेन ग्रीन हाउस, इवन स्पेन ग्रीन हाउस। तीसरा होता है असमान विस्तार प्रकार का ग्रीन हाउस, और चौथा होता है रिज और फरो टाइप ग्रीन हाउस। पांचवा होता है शार्ट टूथ टाइप ग्रीन हाउस, और छठवा होता है कॉन्सेट ग्रीन हाउस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो चलिए देखते हैं सबको शुरू से। तो पहला क्वेश्चन है लीन टू ग्रीन हाउस। ठीक है, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, तो यह क्या होता है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस? हम लोग देखिए आकार के आधार पर देखें, ध्यान दीजिएगा किसके आधार पर देख रहे हैं, आकार के आधार पर देख रहे हैं। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर नहीं देख रहे हैं, शेप के आकार पर देख नहीं देख रहे हैं। ठीक, हम लोग आकार के आधार पर देख रहे हैं, ठीक, सॉरी शेप के आकार पर ही समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं, इस प्रकार के निर्माण मौजूदा इमारत के किनारे किया जाता है। ठीक है, यह जो लीन टू टाइप ग्रीन हाउस होता है, यह मौजूदा इमारत जो होता है जहां पर एक घर होता है उसके किनारे पर किया जाता है। यह आमतौर पर एक घर से जुड़ा होता है लेकिन अन्य इमारतों से भी जुड़ा हो सकता है। यह जो होता है ग्रीन हाउस आमतौर पर एक घर से जुड़ा होता है लेकिन अन्य इमारतों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। भवन की छत को उपयुक्त ग्रीन हाउस आच्छादन, टाइपिंग गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा उपयुक्त ग्रीन हाउस आच्छादन सामग्री के साथ विस्तारित किया जाता है। ठीक है, उपयुक्त ग्रीन हाउस आच्छादन सामग्री के साथ विस्तारित किया जाता है। इसका आमतौर पर दक्षिण की ओर फेस होता है। ठीक है, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस सिंगल या डबल रो तक सीमित होता है। जो लीन टू टाइप ग्रीन हाउस होता है यह सिंगल या डबल रो तक ही क्या होता है, सीमित होता है। पौधों की बेंच की कुल चौड़ाई 7 से 12 फीट रखते हैं, पौधे की बेंच की कुल चौड़ाई 7 से 12 फीट रखते हैं। सूरज की पर्याप्त मात्रा के लिए यह सबसे अच्छी विधि है, सूरज की पर्याप्त मात्रा के लिए सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो लीन टू टाइप प्रकार ग्रीन हाउस होते हैं इनका निर्माण मौजूदा इमारत जो होता है उसके किनारे पर किया जाता है। मौजूदा इमारत मतलब पहले जहाँ घर है उसके किनारे पर किया जाता है। यह आमतौर पर एक घर से जुड़ा हुआ होता है लेकिन अन्य इमारतों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके भवन की जो छत होती है वह उपयुक्त ग्रीन हाउस आच्छादन सामग्री के साथ विस्तारित किया जाता है। इसका आमतौर पर दक्षिण की ओर फेस होता है। लीन टू टाइप ग्रीन हाउस सिंगल या डबल रो तक सीमित होता है। पौधों की बेंच की कुल चौड़ाई 7 से 12 फीट रखते हैं और सूरज की पर्याप्त मात्रा के लिए सबसे अच्छी विधि माना जाता है। इस प्रकार की ग्रीन हाउस का लाभ यह है कि यह आमतौर पर बिजली, पानी और गर्मी उपलब्ध करने वाली सस्ती संरचना है।
इस प्रकार के ग्रीन हाउस की इस प्रकार ग्रीन हाउस का लाभ यह है कि यह आमतौर पर बिजली, पानी और गर्मी उपलब्ध कराने वाली सबसे सस्ती संरचना है। इस डिजाइन का सबसे अच्छा उपयोग यह है कि यह सूरज की रोशनी और छत के समर्थन की आवश्यकता को कम करता है। ठीक है, यह सूरज के जो रोशनी होती है उसके और छत के समर्थन की जो आवश्यकता होती है उसको कम करता है। इस प्रकार ग्रीन हाउस की निम्नलिखित हानियां भी होती हैं, जैसे सीमित स्थान, ठीक है, इसका स्थान जो है थोड़ा सीमित होता है, सीमित प्रकाश, सीमित वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण। इसमें तापमान को नियंत्रित अधिक कठिन होता है, इसमें तापमान को नियंत्रण करना जो होता है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस बहुत कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस जिस दीवार पर बना होता है वह पारभासी होते हैं, सूरज की गर्मी को इकट्ठा कर लेती है। तो यह था आप लोगों का पहला टाइप लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप। तो दूसरा टाइप है इवन स्पेन प्रकार का ग्रीन हाउस। ठीक है, इवन स्पेन प्रकार का ग्रीन हाउस, ठीक है, तो यह पूर्ण आकार की संरचना है। इवन स्पेन प्रकार की जो ग्रीन हाउस होती है एक पूर्ण आकार की संरचना होती है, मतलब इसको किसी पहले से बने हुए घर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जो कि मैंने लीन टू टाइप ग्रीन हाउस बताया उसके लिए पहले से एक मौजूदा घर होना चाहिए, लेकिन जो इवन इस प्रकार का इवन स्पेन प्रकार का ग्रीन हाउस होता है यह एक पूर्ण आकार की संरचना होती है, इसमें किसी दूसरे घर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें छत के समान दो ढलान होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, छत के समान दो ढलान होते हैं, दोनों छत की पिच और चौड़ाई समान होती है। ध्यान समझिएगा, इसमें छत के समान दो ढलान होते हैं, दोनों छत की पिच और चौड़ाई समान होती है। इस डिजाइन का उपयोग छोटे आकार के ग्रीन हाउस के लिए किया जाता है। इस डिजाइन का प्रयोग छोटे आकार के ग्रीन हाउस के लिए किया जाता है और इसका निर्माण समतल जमीन पर किया जाता है। इसमें पौधों की दो या तीन पंक्तियों को समायोजित किया जाता है। इसमें पौधे की दो या तीन पंक्तियों को समायोजित किया जाता है। एक समान विस्तार वाले ग्रीन हाउस की लागत, ठीक है, एक समान विस्तार वाले ग्रीन हाउस की लागत एक लीन टू टाइप की लागत से अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, कि इसमें जो एक समान विस्तार वाले ग्रीन हाउस होते हैं उनकी लागत एक लीन टू टाइप की लागत से अधिक होती है, लेकिन इस डिजाइन में अधिक लचीलापन होता है। अधिक लचीलापन का मतलब क्या है, कि यह एनवायरमेंट के प्रति, मतलब जैसे हम चाहें वैसे यह अपना कार्य कर सकता है, अधिक लचीलापन होता है। ठीक है, और यह अधिक पौधों के लिए प्रदान की जाती है, इसकी वजह से अधिक मात्रा में उजागर ग्लास क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी वजह से दोस्तों इसके इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में उजागर ग्लास क्षेत्र की आवश्यकता होती है, मतलब जहाँ पर उजाला आता हो। सम विस्तार के अंतर्गत गर्मी के समय अधिक खर्चा होता है। ठीक है, सम विस्तार के अंतर्गत गर्मी के समय अधिक खर्चा होता है। परिरूप के दौरान समान तापमान बनाए रखने के लिए एयर सर्कुलेशन के लिए लीन टू से बेहतर आकार होता है। ठीक है, यह लीन टू से बेहतर आकार होता है। सर्दियों के मौसम में इसको गर्म करने के लिए एक अलग हीटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जिस समय सर्दी होता है उस समय इसको गर्म करने के लिए एक अलग हीटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसमें दो साइड बेंच, दो वाक और एक विस्तृत सेंटर बेंच होती है। ठीक है, इसमें दो साइड बेंच, दो वाक, एक सेंटर बेंच होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए कई सिंगल और मल्टीपल स्पैन प्रकार उपलब्ध होते हैं। समान विस्तार सामान्य रूप से 5 से 9 मीटर तक भिन्न होता है, जबकि लंबाई, इसकी लंबाई 24 मीटर के आसपास होती है और ऊंचाई 2.5 से 4.3 मीटर तक भिन्न होती है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का ग्रीन हाउस इवन स्पेन प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा इवन ग्रीन हाउस, मतलब समान विस्तार प्रकार का ग्रीन हाउस। अब देखेंगे अन इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस। ठीक है, देखिए इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, इसे मैं समझा नहीं रहा हूँ। कुछ समझने वाला जहाँ पे होगा मैं वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक, तो असमान विस्तार के प्रकार का ग्रीन हाउस, अन इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस। तो इस प्रकार के ग्रीन हाउस का निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। इसकी छतों की चौड़ाई असमान होती है और यह संरचना पहाड़ी के किनारे ढलान के अनुकूल बनाई जाती है। इस प्रकार के ग्रीन हाउस का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, आज के लिए स्वचालन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो यह जो अन इवन टाइप का ग्रीन हाउस होता है इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, इसका उपयोग पहाड़ों पर किया जाता है। इसकी जो छतें होती है वह समान नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अन इवन प्रकार के ग्रीन हाउस। चलिए आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा डिलीट हो गया शायद, टाइपिंग में कहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दो ग्रीन हाउस जो उसको बता दूंगा लेक्चर के माध्यम से समझिएगा। एक तीसरा होता है रिज और फरो टाइप का ग्रीन हाउस। क्या होता है, रिज और फरो टाइप ग्रीन हाउस। इस प्रकार के डिजाइन एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक ए फ्रेम ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो डिजाइन होते हैं रिज और फरो टाइप के ग्रीन हाउस, इस प्रकार के ग्रीन हाउस एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक ए फ्रेम ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं। छतों के आपस में जुड़े होने के कारण बारिश के पानी को सुविधाजनक एक जगह इकट्ठा किया जाता है।
ग्रीन हाउस के बीच की दीवारें हटी होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी संरचना प्राप्त होती है। इसमें श्रम भी कम होता है, मतलब मेहनत कम लगता है, स्वचालन की लागत कम होती है, व्यक्तिगत प्रबंध में सुधार आता है, ईंधन की खपत कम होती है क्योंकि खुला क्षेत्र कम होता है और गर्म तापमान बना रहता है। बर्फ के भार को अंदर ले जाना चाहिए इन ग्रीन हाउस के फ्रेम स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि बर्फ छतों को बंद नहीं कर सकती। व्यक्तिगत मुक्त ग्रीन हाउस लेकिन पिघल जाता है। बर्फ के भार के बावजूद रिज और फरो यूरोप के उत्तरी देशों और कनाडा में फरो ग्रीन हाउस प्रभावी रूप से उपयोग किए जाते हैं और ये भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भी होते हैं। ठीक है, तो यह था आपका रिज और फरो टाइप ग्रीन हाउस। एक होता है सात टूथ टाइप ग्रीन हाउस, सात टूथ टाइप ग्रीन हाउस, तो यह भी रिज और फरो प्रकार के ग्रीन हाउस के समान ही होता है, सिवाय इसके कि वहाँ इस प्रकार के प्राकृतिक वेंटिलेशन के लिए प्रावधान है। सात टूथ प्रकार ग्रीन हाउस विशिष्ट प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रवाह पथ में विकसित होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप था, ये दोनों इंपॉर्टेंट भी नहीं उतना। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है इवेंट टाइप ग्रीन हाउस और कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस। तो कॉन्सेप्ट को भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोनों ग्रीन हाउस जो था वो दोनों टाइपिंग में छूट गया था। अगला है कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस। तो कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस क्या है? तो यह एक ग्रीन हाउस है, क्या है? यह एक ग्रीन हाउस है जहाँ पाइप मेहराब ट्रस, ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर पाइप मेहराब ट्रस या पाइप प्यूरलिंग द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, पाइप प्यूरलिंग द्वारा स्थापित किया जाता है जो ग्रीन हाउस की लंबाई के साथ साथ लगाया जाता है। मैं आप लोग बता दूं, आप लोग गटर जानते हो, गटर क्या होता है? नाला, नाला जानते हैं जो मुंबई जो होता है वहाँ पर, फिर से देखिएगा। तो यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस होता है जहाँ पाइप मेहराब ट्रस या दूस को पाइप प्यूरलिंग द्वारा स्थापित किया जाता है जो कि ग्रीन हाउस की लंबाई के साथ साथ लगाया जाता है। सामान्य तौर पर इस प्रकार के ग्रीन हाउस के लिए उपयोग की जाने वाली आवरण सामग्री पॉलीथीन होती है। ठीक है, पॉलीथीन होती है। ऐसे ग्रीन हाउस आमतौर पर नालीदार से कम महंगे होते हैं और उपयोगी होते हैं। इस संरचना के लिए छोटे से पृथक उपजाऊ क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यह मुक्त या अस्थायी शैली से जुड़े हुए होते हैं और से इसे इंटरलॉकिंग रिज में व्यवस्थित होते हैं। इंटरलॉकिंग प्रकार में इसके सदस्य पौधे के बेड़ की अनुमति नहीं देते हैं, सारी अनुमति नहीं देने के लिए पर्याप्त रूप से ओवरलैप रहते हैं और यह आसन्न ग्रहों के अतिव्यापी भागों के बीच बढ़ते हैं। इस जात प्रकार का एक बड़ा उपजाऊ स्थान इस प्रकार के हरितगृह के सेट के लिए पर्याप्त स्थान होता है और यह एक ऐसी क्षमता व्यवस्था है जो श्रमिकों के स्वचालन के लिए अनुकूलित होती है। तो आप लोगों का आकार के आधार पर ग्रीन हाउस का प्रकार जो था वह खत्म हो चुका है। अब देखेंगे विकिरण शुष्कन क्या है। ठीक है, विकिरण शुष्कन मतलब होता है रेडिएशन ड्राइंग। तो रेडिएशन ड्राइंग क्या है? तो विकिरण शुष्कन सूर्य और उसकी मूल ऊर्जा के अवशोषण पर आधारित है। ठीक है, विकिरण शुष्कन सूर्य और उसकी मूल ऊर्जा के अवशोषण पर आधारित है। अनाज द्वारा ऊष्मा को ऊर्जा में परिवर्तन करना विकिरण सूचकांक का उदाहरण है। विकिरण सूचकांक को विशेष इंफ्रारेड विकिरण की सहायता से भी पूरा किया जाता है। नमी का चालान और वाष्पीकरण तापमान में अंतर वायु के जलवाष्प के आंशिक दबाव का कारण होता है। सूर्य के सूखने की प्रभावशीलता तापमान और सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे वायुमंडलीय हवा गति, गति के दौर के आदि की स्थिति के आधार पर। ठीक है, मतलब देखिए सोलर रेडिएशन मतलब क्या, सूर्य का प्रकाश होता है उससे क्या होता है, उससे सोलर निकलता है, उससे रेडिएशन निकलता है, उससे जब अनाज सुखाता है उसी को बोलता है सोलर रेडिएशन। ठीक है, ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं इसमें, चलिए आगे चलते हैं। आवरण सामग्री के आधार पर ग्रीन हाउस का प्रकार। ठीक है, आवरण सामग्री के आधार पर ग्रीन हाउस का प्रकार पूछा है तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवरण सामग्री ग्रीन हाउस संरचना का प्रमुख और महत्वपूर्ण घटक है। ढांचे के अंतर्गत कवरिंग सामग्री ग्रीन हाउस प्रभाव को सीधा प्रभावित करता है और गृह के अंदर वायु के ताप को बदलता है। कवरिंग सामग्री के बदलने के साथ फ्रेम के आकार और फिक्सिंग की विधि भी बदल जाती है। ग्रीन हाउस को ग्लास, प्लास्टिक, फिल्म और कठोर पैनल ग्रीन हाउस के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें पहला है ग्लास ग्रीन हाउस। कौन सा है? ग्लास ग्रीन हाउस। ठीक है, तो ग्लास का कवरिंग सामग्री के रूप में उपयोग ग्लास ग्रीन हाउस में किया जाता है। ग्लास मतलब क्या होता है? कांच, कांच आप लोग जानते होंगे वह होता है ग्लास। ठीक है, तो ग्लास का कवरिंग सामग्री के रूप में उपयोग ग्लास ग्रीन हाउस में किया जाता है जो 1950 से पहले प्रयोग में लाया गया था। कब प्रयोग में लाया गया था? 1950 से पहले प्रयोग में लाया गया था। ग्लास कवर सामग्री के रूप में अधिक से अधिक आंतरिक प्रकाश की तीव्रता का लाभ देता है। इन ग्रीन हाउसों का रिसाव दर उच्च होता है। यह जो ग्लास ग्रीन हाउस होते हैं इनका जो रिसाव दर होता है वह उच्च होता है, जो आंतरिक आर्द्रता जो क्या करते हैं, जो आंतरिक आर्द्रता और रोगों से भली प्रकार बचाव करते हैं, जो आंतरिक आर्द्रता और रोगों से भली प्रकार बचाव करते हैं।
ग्लास ग्रीन हाउस के लिए लीन टू टाइप, यहाँ तक कि स्पैन रिज और फरो प्रकार के डिजाइन का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, ग्लास ग्रीन हाउस का उपयोग लीन टू टाइप के लिए स्पैन रिज और फरो प्रकार के डिजाइन के लिए किया जाता है, जो कि अभी मैंने पीछे बताया आप लोग को आकार के आधार पर, अब यहाँ पर आर आर सामग्री के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। तो यही था पहला ग्लास ग्रीन हाउस। दूसरा है प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस। प्लास्टिक फिल्म मतलब जानते हैं प्लास्टिक की पन्नी रहेगी, ठीक, वह उसको बोला जाता है फिल्म। तो इस प्रकार के ग्रीन हाउस के कवरिंग सामग्री के रूप में पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड सहित लचीली प्लास्टिक फिल्मों का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस के लिए कवरिंग सामग्री के रूप में प्लास्टिक सबसे लोकप्रिय मानी जाती है, क्योंकि यह सस्ती होती है और कांच की तुलना में हीटिंग की लागत को भी कम करती है। प्लास्टिक की फिल्मों के साथ मुख्य हानि इसका कम जीवन काल है। ठीक है, प्लास्टिक का जीवन काल होता है बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली पराबैंगनी, पराबैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट स्थिर फिल्म केवल 4 साल तक ही रह सकती है। कॉन्सेप्ट डिजाइन के साथ ही कवरिंग सामग्री का उपयोग करने के लिए गटर से जुड़ा डिजाइन उपयुक्त होता है। गटर का डिजाइन मतलब किसका होता है पता है आप लोग? कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस होता है उसका डिजाइन गटर की तरह होता है। कैसा होता है मैं आप लोग थोड़ा सा बनाकर दिखा देता हूँ। इस प्रकार से रहेगा, उसके ऊपर से इस प्रकार से क्या लगा दिया जाता है, प्लास्टिक लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस हो जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है गटर टाइप ग्रीन हाउस। जो हमने कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस बनाया था उसी को बोला जाता है गटर टाइप ग्रीन हाउस। आगे देखेंगे कठोर पैनल ग्रीन हाउस। कठोर पैनल ग्रीन हाउस, तो कठोर पैनल ग्रीन हाउस में कवरिंग सामग्री के रूप में पॉलीविनाइल क्लोराइड, कठोर पैनल फाइबर ग्लास, प्रबलित प्लास्टिक, एक्रिलिक और पॉलीकार्बोनेट कठोर पैनल, कॉन्सेप्ट प्रकार के फ्रेम या रिज और फरो टाइप फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जो कठोर पैनल ग्रीन हाउस होता है इसमें किसका किसका यूज किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कठोर पैनल फाइबर ग्लास, प्रबलित प्लास्टिक, एक्रिलिक और पॉलीकार्बोनेट कठोर पैनल, कॉन्सेप्ट प्रकार के फ्रेम या रिज और फरो टाइप फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। यह सामग्री टूटने के लिए अधिक प्रतिरोधी होता है। यह जो सामग्री होता है टूटने के लिए क्या होता है, अधिक प्रतिरोधी होता है और ग्रीन हाउस के दौरान प्रकाश की तीव्रता कांच या प्लास्टिक की तुलना में एक समान होता है। उच्च ग्रेड पैनलों का 20 साल तक का लंबा जीवन काल होता है। जो उच्च ग्रेड के पैनल होते हैं उनका जीवन काल 20 साल से लंबा तक का होता है। इससे मुख्य हानि यह है कि यह पैनल के विस्तार करने के लिए धूल के कणों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, यह क्या करते हैं, यह धूल के कणों को इकट्ठा करते हैं। यह जो पैनल होते हैं यह धूल के कणों को इकट्ठा करते हैं, इस कारण पैनल काला कर दिया जाता है, जिसके बाद प्रकाश के संचरण में कमी होती है और इससे आग का बहुत खतरा होता है। ठीक है, तो यही इससे थोड़ा सा हानि भी है। तो यह था आप लोगों का आवरण सामग्री के आधार पर ग्रीन हाउस का वर्गीकरण। आगे देखेंगे सामग्री संचरण मशीन के कितने प्रकार है, कार्यविधि एवं सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसके बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ से लेक्चर 6 देख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक, वो भी तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ठीक है, पूछा सामग्री संचरण मशीन कितने प्रकार का होता है, कार्यविधि एवं सिद्धांत विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है कन्वेयर, एक होता है एलिवेटर। ठीक है, अभी देखेंगे दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सामग्री प्रबंधन उपकरण संरक्षित खेती और माध्यमिक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कृषि उपज, बीज और इनपुट के कुशल संचालन की सुविधा प्रदान करते हैं। 2 आवश्यक प्रकार के सामग्री प्रबंधन उपकरण कन्वेयर और लिफ्ट है। कन्वेयर और लिफ्ट 2 आवश्यक प्रकार की सामग्री प्रबंधन उपकरण कन्वेयर और लिफ्ट है। ठीक है, कन्वेयर क्या होता है, तो कन्वेयर एक मशीन होता है, इसका सिद्धांत देखते हैं। कन्वेयर यांत्रिक प्रणाली है जो सामग्री को निरंतर और नियंत्रित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें एक बेल्ट चेन या रोलर होते हैं जो एक मोटर द्वारा संचालित होते हैं, जो सामग्री को पूर्व निर्धारित पथ पर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे एक सीढ़ी होती है, वहां पर खड़ा हो जाएंगे, वो क्या करेगा आपको ऊपर ले जाकर छोड़ देगा। तो यह क्या, यही सब कन्वेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका वर्किंग देखेंगे। तो सामग्री को एक छोर पर कन्वेयर बेल्ट या रोलर पर लोड किया जाता है। मोटर बेल्ट या रोलर को चलाती है जिससे सामग्री कन्वेयर की लंबाई के साथ चलती है, और अनुप्रयोग के आधार पर कन्वेयर झुके हुए, अस्वीकृत या क्षैतिज हो जाते हैं। इन क्लाइन कन्वेयर सामग्री को पीछे खिसकने से रोकने के लिए क्लिप या साइड वाल का उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब देखिए सीढ़ी पर जाएंगे, सामान को रख देंगे, सामान क्या करता है आपको ऊपर पहुंचा देता है। तो कन्वेयर भी कई प्रकार का होता है। तो कन्वेयर पहला टाइप ऑफ कन्वेयर, जिसमें पहला बेल्ट कन्वेयर। तो सामग्री एक सतत लूप होता है जो आमतौर पर रबर या कपड़े से बना होता है, जो पुली द्वारा संचालित होता है। गांव में पट्टा देखे होंगे ना, वही होता है। दूसरा रोलर कन्वेयर,
तो भारी भार के लिए उपयुक्त सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए रोलर कन्वेयर का यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में रोलर कन्वेयर का यूज किया जाता है। तीसरा है स्क्रू कन्वेयर, तो ट्यूब या गर्त में सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए एक घूमने वाले पेंच का उपयोग किया जाता है। और आखिरी है बकेट कन्वेयर, बाल्टी कन्वेयर, तो बेल्ट या चेन से जुड़ी बाल्टियों में सामग्री का परिवहन। जैसे आप लोग देखेंगे जैसे बड़ी बड़ी मंदिर जो है, जैसे मान लीजिए मुंबई में है एक जीवदानी देवी का मंदिर, वहां पर जाएंगे तो देखेंगे कि लिफ्ट होता है ना, और लिफ्ट जो होता है एक बाल्टी के आकार का होता है, उसमें सभी लोग बैठते हैं, तो वही होता है बकेट कन्वेयर, वो भी एक कन्वेयर ही है। ठीक है, आगे देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो ये सब तो नहीं पूछा है तो इसलिए इसको नहीं देखेंगे। अब देखेंगे दूसरा वाला, एलिवेटर। ठीक है, तो एलिवेटर का सिद्धांत क्या होता है, तो यह भी एक उपकरण होता है। ठीक है, यह लिफ्ट ऊर्ध्वाधर सामग्री प्रबंधन उपकरण होता है, जिन्हें विभिन्न स्तरों के बीच सामग्री उठाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनमें एक श्रृंखला या बेल्ट से जुड़ी एक बाल्टी या मंच होता है जो एक आवरण के भीतर लंबवत चलता है। ठीक है, यह एक आवरण के भीतर ही लंबवत चलता है। वर्किंग इसका है, उठाई जाने वाली सामग्री को लिफ्ट के नीचे बाल्टियों या प्लेटफार्म में लोड किया जाता है। चेन या बेल्ट बाल्टियां प्लेटफार्म को ऊपर की ओर ले जाती हैं, सामग्री को वांछित ऊंचाई तक उठाती हैं, एक बार शीर्ष पर पहुंचने पर सामग्री को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यह भी एलिवेटर दो दो प्रकार का होता है, सॉरी एलिवेटर चार या पांच प्रकार का होता है, अभी चलिए देखते हैं। तो पहला होता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज लिफ्ट, तो हल्की सामग्री को संभालने और बाल्टियों को हेड पुली के ऊपर ले जाने पर केंद्रापसारक बल द्वारा सामग्री को डिस्चार्ज करने के लिए एलिवेटर उपयुक्त होता है। दूसरा कंटिन्यूअस, ठीक है, चिपचिपी या नाजुक सामग्री को संभालने और गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके सामग्री को लगातार डिस्चार्ज करने के लिए कन्वेयर डिजाइन किया जाता है। आगे देखते हैं, तो एलिवेटर सिर्फ दो ही प्रकार का होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर इसका क्या है, लिफ्ट के उपयुक्त तो सामग्री का चयन करने के लिए तापमान और सफाई जैसे कारकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं तो यह प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो यही था आप लोगों का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का 5 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया, और इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा नोट्स पे लिखकर बताता हूँ कि नोट्स पे जो भी लिखता हूँ उसको 4 से 5 बार पढ़ता हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे थे सर पीटी पीपीटी पढ़ाई पीपीटी पढ़ाई, तो देखिए पीपीटी मैंने पढ़ाया, आप लोगों को हमको तो नहीं लगता है कि अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो और हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।